आइए अपनी पाकशाला में आज हम बनाते हैं शिमला मिर्च एकदम नए तरीके से। इसके लिए सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे, इसमें हम प्याज के टुकड़े डाल देंगे। प्याज हमने बड़ा बड़ा पीस में कट किया है और हम बारीक प्याज आगे और लेंगे। साथ ही हम इसमें शिमला मिर्च कट कर देंगे। शिमला मिर्च के हमने सारे बीज हटा दिए हैं और इसे हमने कट किया है। अब इसे हम आराम से भून लेंगे। प्याज और शिमला मिर्च को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, बस इतना है कि हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देंगे। नमक हमें कम डालना है क्योंकि आगे भी हम नमक डालेंगे और मिला लेंगे। आंच को हमें मीडियम ही रखना है, तेज नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारी शिमला मिर्च और प्याज लगभग पक चुके हैं। इसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे और निकाल लेने के बाद हम इसी कढ़ाई में आगे की सब्जी बघारने की तैयारी जारी रखेंगे। तो चलिए, इसी कढ़ाई में हम सबसे पहले ऐड करेंगे मेथी दाना। मेथी दाने को हमें अच्छे से भून लेना है और जब ये भून जाए तो हम इसमें एक चम्मच सौंफ और एक चम्मच जीरा भी ऐड कर देंगे। और जब दोनों अच्छे से भून जाए तो उसके बाद हम इसमें एक छोटी चम्मच भर राई डालेंगे। और राई चटक जाने के बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। जी हाँ, हमने कहा था कि हमें बारीक प्याज इसमें और डालने हैं। प्याज हमने एक लिया है छोटा वाला, और इसके पहले जो हमने बड़े बड़े पीस में कट किया था वो भी एक छोटी प्याज थी, यानी इस सब्जी में हमें दो प्याज लगी। प्याज हमारी अच्छे से भुन जाए तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च की इस सब्जी में हमने प्याज को ज्यादा नहीं भूना है, बस इससे हमने सिर्फ पिंक होते तक ही भून लिया है। तो यहाँ पर प्याज और लहसुन वगैरह हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी के साथ ही हम इसमें मिला देंगे एक बड़ी चम्मच भर बेसन का, और इसे हमें अच्छे से भून लेना है खुशबू आते तक। बेसन हमारा भुन जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे दो छोटे टमाटर जिन्हें हमने बारीक कट कर लिया है। तो चलिए, इसमें हम ऐड करते हैं टमाटर। इन्हें भी हमें अच्छे से भून लेना है सारे मसालों के साथ। टमाटर डालने के बाद हम इसमें साथ में थोड़ा नमक और ऐड करेंगे। ध्यान रखिए, हमने पहले नमक और डाल दिया है। नमक ऐड करने के साथ ही इसमें हम एक इंच अदरक का टुकड़ा है उसे कीस कर मिला देंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च मैंने तीखा वाला यूज किया है। अदरक के साथ ही हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से पकने देंगे। जब तक हमारा मसाला भुनता है तब तक हम एक तरफ दो चम्मच भर दही लेना है और इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के दही को अच्छे से फेंट लेना है। धनिया पाउडर डालने से दही जब हम सब्जी में मिक्स करेंगे मसालों के साथ तो फटेगा नहीं। तो इसे हमें मिला देना है मसालों के साथ और थोड़ा पका लेना है। दही थोड़ा भुन जाए तो हम इसमें एक छोटी सी चम्मच भर पानी डाल देंगे ताकि मसाले और अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पर तेल छोड़ दिया है मसालों ने, मतलब मसाला हमारा भुनकर एकदम रेडी है। तो हम यहाँ पर शिमला मिर्च और प्याज का जो भून लिए थे पहले उसे मिला देंगे। तो बस हमारी सब्जी एकदम रेडी है। इसे आप पूरी या रोटी के साथ या राइस के साथ आराम से खा सकते हैं। जी, रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया।
तो शिमला मिर्च हमारी बनकर एकदम तैयार है। इस रेसिपी में हमने कहीं भी गरम मसाला बिल्कुल यूज नहीं किया है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी अपने आप में है।